उफ गर्मी, हाय गर्मी, इस गर्मी से कैसा बचा जाए। स्वागतम सुस्वागतम मालिक, कैसे हो, सब ठीक ठाक? तो आज हम लोग आ चुके हैं इमैजिका, तो चलते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं आज इमैजिका को। बहुत ही खूबसूरत स्पेलिंग, फिर बाद में इधर आता है जो कि आपके रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हुए हैं वो सब यहाँ पर है, आपको वेपन कैरी नहीं करना चाहिए। और ये रहा बैगेज काउंटर। तो जी, हम लोगों ने किया था ऑनलाइन और हमें मिला है ये वाटर पार्क प्लस स्नो पार्क का। चलो हैप्पी रक्षाबंधन। दक्षिणा दो। आप मुझे दे दो आशीर्वाद। तो जी, ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये है पूरे टिकट्स जो ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमने ले लिया है टिकट, चलते हैं इस तरफ वाटर पार्क की तरफ। पीछे आप दिख रहा होगा, पीछे आपको थीम पार्क का जो भी एंट्रेंस है वो आपको मिल जाएगा और यहाँ से हमको मिलेगा शटल। तो जी, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये जो बस सर्विसेस है इनकी, यहाँ से आपको जो एंट्रेंस था इमैजिका का वहाँ से आपको लेके जाएगी वाटर पार्क। लोगों ने वहाँ से लिया है लॉकर का की जो कि हमारा है 11011। स्पेस तो काफ़ी है, लाइक दो आराम से इसमें पकड़ा जाएगा। तो जी, अभी चेंज करके निकल चुके हैं हम अपने राइड्स की तरफ, तो अपडेट मिलते रहेगा। ऊपर थोड़ा सा ये पहाड़ टाइप एरिया है, तो ऊपर है वाटर पार्क, आप मेरे पीछे देख सकते हो, और सामने आप देख सकते हो उस तरफ वो है थीम पार्क। तो थीम पार्क नीचे है, वाटर पार्क है यहाँ पे। तो जी, ये रहा यहाँ का मैप। अभी हम लोग हैं यहाँ पर खड़े, यू आर हियर। तो ये तो पूरा फूड कोर्ट है जो आप देख रहे हो यहाँ पे सामने, ये पूरा बच्चों का है एरिया। और राइड्स होती है यहाँ से स्टार्ट, ये एक दो, फिर ये भी कुछ ये भी कुछ होटल टाइप है, तीन चार पाँच, ये वेव पूल इधर लास्ट में, और वो 90 डिग्री उधर, और ये मल्टीपल राइड। तो चलिए फिर चलते हैं। सबसे पहले आपको आना कैसे यहाँ पे, तो आप मुंबई में कहीं भी रहते हो, आप सबसे पहले आइए खोपोली। खोपोली स्टेशन से जैसे ही आप थोड़ा सा बाहर आ जाओगे तो आपको मिलेगा ऑटो या फिर शेयरिंग ऑटो। तो जो डायरेक्ट ऑटो है आपको चार्ज करेगा, शायद वो 300-400 तक चार्ज करेंगे, कोशिश करेंगे आपको। तो अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे हो तो 250-200 तक मान लेंगे वो लोग। फिर उसके बाद आता है शेयरिंग ऑटो। शेयरिंग ऑटो जैसे कि पर हेड वो लोग 50 चार्ज करेंगे, आप दो या फिर तीन जा सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद आता है, अगर आप बस में आना चाहते हो तो आपको स्ट्रेट चलते हुए आना पड़ेगा थोड़ा सा, और वहाँ पर आपको बस मिल जाएगा जो कि फ्रिक्वेंट बसेस है। देख सकते हो ये पूरा बच्चों का एरिया है, आप सामने देख सकते हो कैनन फॉल्स। तो अभी वो गिरने वाला है, आप देखिए वो कैसे गिरेगा। विशाल जी, जाओ ना उसके नीचे खड़े हो जाओ। ठंडा मस्त लग रहा है। पीछे फोटोग्राफर्स भैया लोग दिख रहे होंगे, तो उन्होंने बोला कि आपकी रैंडम पिक्स खींची जाएगी और आपको बड़े स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। अगर आपकी मर्जी है, अगर आप अच्छे लग रहे हो उसमें, आप उस फोटो को खरीद सकते हो जो कि 100-150 तक हो जाता है वो, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ख़रीदना ही है। फर्स्ट हमारा राइड होने वाला है रफ्टास्टिक, तो चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। ये तो पहला राइड था और इसमें तो एकदम फाड़ के रख दी थी। काफ़ी लंबा राइड है, कंपेयर टू अगर आप वाटर किंगडम का राइड देखोगे तो ये सबसे बेस्ट था अब तक का। मतलब ये तो पहला राइड है, देखते हैं आगे और बहुत सारे राइड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो चलते हैं अभी दूसरे राइड पे। तो जी, अब हम लोग जा रहे हैं द स्क्रीमर में।
तो 10 क्रीम हम लोग करने वाले हैं। ये है हमारे अंकल जी जो हमको मिल चुके हैं थर्ड पार्टनर। आज हम लोग उड़ाने वाले हैं फैमिली को बाय करते हुए जा रहे हैं। अभी चश्मा सही है, उतार दो। रुक जाए। ये देखो चश्मा लोगों का यही प्रॉब्लम है जिंदगी में, उतारना पहनना। चलिए चलते हैं हम लोग अभी। चलो ये है हमारा सेकंड राइड आज का। इतने बड़े बड़े राइड है ना, मतलब ऑलमोस्ट ये 5 फ्लोर 6 फ्लोर का एक एक राइड है, और ये इतना सीढ़ी चढ़ना पड़ता है ना, मतलब आधा टाइम तो आपको सीढ़ी चढ़ने और उतरने में ही चला जाता है। उतरने में तो तुम मतलब 3-1 मिनट में आ जाते हो पूरा एकदम एंजॉय करते हुए, पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पर थोड़ी सी। तो ये ट्विस्टी ट्वर्की है, दो लोगों का राइड है, फैमिली राइड है, आराम से देखते हैं अभी नीचे जाएंगे। अब देखते हैं, अभी बहुत ज़्यादा इसे घुमाना है, नीचे खाट गिरेगा फिर ऐसे भी लोग देखेंगे अब कैसा है। अब फिल्म बने रही हम देखते हैं, क्या लग रहा है यार, प्लीज यार को पकड़। नहीं मैं चल निकल, धक्का दे, चल। कैसा लग रहा है? तो जी ये जो राइड था ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा राइड है, दो लोगों का है, बहुत ही मतलब कपल के लिए तो ये बहुत मजा आ जाएगा। और ये गोल गुंबज भी मिलेगा, गोल गुंबज घूम घूम, और वो गोल गोल घूम घूम के, ये जो बड़ा वाला है गोल गोल घूम के इतना ऐसे फेंक देता है तुमको, ओहो मस्त लगता है, डर भी लगता है। 10 out of 10 एवरी राइड, जितना भी राइड किया है अभी तक, 3 राइड किया है, तीनों बड़े बड़े थे वाटर के कम्पेयर टू वाटर किंगडम, और 10 out of 10 मैं इन लोगों को दूंगा। बहुत ही अच्छे राइड है यहाँ पे, तो ये मस्ट विजिट, अभी बोल रहा हूँ मैं, मस्ट विजिट है आपको। ये सामने वाला राइड देखिए कितना बड़ा है, ये हमारा अगला राइड है, ये देखिए वो कितना ऊपर। तो जी हम लोग जाने वाले हैं अभी सबसे बड़े वाले में। एक पैर नीचे रखने के लिए कितना लड़ाई हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे नए दोस्त है।
तो जी ये वाला इतना पसंद आया है हमारे विशाल जी को, तो हम लोग फिर से जा रहे हैं। ये रहे हमारे दो नए पार्टनर्स। देखो इसने कर लिया, तुम नहीं कर पाओगे। अरे करो, कुछ नहीं होता। देखा सच्ची आना, तो और ऊपर मेरे साथ आओ। अरे वाह, चल चलते हैं हम। कॉन्फिडेंस मिल गया। रुक जा भाई, हम भी चलते हैं। अच्छा इसका भी नहीं, आपके साथ आएगा ना। हाँ श्योर श्योर श्योर। तो विशाल जी और छोटू सा प्यारा सा लड़का जा रहा है। ओ या हेलो। विशाल जी के लिए अभी हिम्मत, छोटे बच्चे से मुझे ऐसे डाल के जाना है। इधर देखो, क्या नाम है? मेरा नाम आरव है। आरव, वाओ, जाओ अच्छे से करो सब लोग। तो ये वाला है वूपी लूपी, पर इसमें हम लोगों को अलाउड नहीं है ये कैमरा के वजह से। तो ये रहा, और जाएंगे नीचे उधर। कैसा लगा? एक नंबर। यहाँ पे डर लगता है यार। हाँ छोटा बच्चा क्या, वो उधर गया वो। आरव आजा। आज आज भी हम लोगों को पीछे करना है सबको। आज भी जितना हम लोग को। ए पॉल, इधर कुटिया है। ये देख। अरे वो कितना क्यूट है। किधर है, क्या नाम है तेरा? दीप। मेरा नाम संदीप है। अरे तुम बड़े क्यूट हो यार, गुब्बारा गुब्बारा जैसे। लड्डू गोपाल हो तुम। तो जी अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप यहाँ पे लाइफगार्ड पहना सकते हो और स्विमिंग पूल में लेके जा सकते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे। ये है सिंगल वाला। ओ हो, क्या गया है भैया। तो अभी मेरी बारी है। बाय बाय। सामने देखे कितना अच्छा है ये। ओ हो, ओ हो। अब थोड़ा से बैठ जाओगे ना तो ना इजिली चले जाओगे, फास्ट नहीं जा सकते आप, एंजॉय कर सकते हो पूरे राइड को आराम से। थोड़ा सा ऐसे। ओ ओ, ओ। दिमाग में पानी जा चुका है। चल जी, कौन सा राइड है ये? मरने वाला है। मरने वाला है। अभी देखिए वो लड़का कितना स्पीड से जाएगा। पाँच सेकंड, पाँच सेकंड वाली, पाँच सेकंड वाली, पाँच सेकंड मरने के लिए। खुल गया। देखिए ये देखिए, वो अब देखिए नीचे वाले पाइप में, नीचे वाले पाइप में वो। मौत के मुंह में आप खड़े हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो गेम बजाना पड़ेगा, ये तो लावणी वाला। गया और ये टाइम बजा लो। चलो चलो जीरो बाजी ले जा। टाटा नाम पता, जन्म पता? नाम अशोक, हुबली से कर्नाटक। अच्छा मजा। हां मजा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मजा आया। गुड बाय। लगेगी नहीं ना? नहीं। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। चलो खत्म हो गई। ये एक्सेप्टेबल नहीं।
हनुमान माय गॉड हरे कृष्णा हरे कृष्णा नमो गुरु। तो दोस्तों अभी हम 90 वाला करने जा रहे हैं और मरने वाला कर रहे हैं, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से और सच्चे मर जाने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं, पता नहीं हम आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरा पासवर्ड इतना है, एटीएम का पासवर्ड इतना है, पासवर्ड है मेरा, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरी मम्मी को सॉरी बोल रहे हैं, हम सबको छाने वाले को सॉरी बोल रहे हैं, हम पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, हम माफ कीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे लड़कियाँ कर रही है, इतना भाषण दे रहे हैं वो, देखो जय श्री कृष्ण। अरे जाना पड़ेगा यार, जाओ जाओ जाओ, आप बस फोन कर। मालिक टप्पा गया। मौत को छू के विशाल जी पिज्जा लाते हुए, आज का हमारा ये रहा मील, जो कि पिज्जा और उसके साथ ये कोक मिला है, दो गार्लिक ब्रेड भी मिला है उसके साथ, तो ये पूरा आया 300 रुपीज में। जो 90 वाला किया था तो वो तो बच्चों के लिए तो नहीं है, वो हर किस नहीं है, मतलब जो वेट है ऑलमोस्ट 50 अबो है उनके लिए है वो। और स्टार्टिंग में तो विशाल जी थोड़ा घबरा रहे थे, इवन मैं भी घबरा रहा था, पर चलो जय बजरंग बली कर लिया। हिम्मत आप दिए मुझे, आप मुझे हिम्मत दिए तभी हम किए, सच में नहीं किए होते। आपको पहले भेजिए, आप जाइए फिर आप मुझे मोटिवेट कीजिएगा हम कैसा था। एक्सेस स्टोर है, आप यहाँ पे टी शर्ट्स पैंट ट्रैक पैंट्स यहाँ पे टेडीज वेडीज सब आप खरीद सकते हो। तो ये गुड्डीज वुड्डीज वो तो रीजनेबल रेट में वो लगा देंगे। तो ये बोलते हैं कि मेल है 350, फीमेल है 300 से स्टार्ट है, जितना भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए अभी ये मैजिका का जो कोटा था वो ख़त्म होते हुए आती है बारी स्नो वर्ल्ड की। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मैंने वाला सबसे मस्त था, सबसे डेंजर था और सबसे मज़ा आया। जैसे कि मॉर्निंग में आए थे हम लोग ऑलमोस्ट 10:30 को, ऑनलाइन बुकिंग किया था हम लोगों ने, लाइन तो है नहीं वैसे, बहुत सारे काउंटर्स हैं यहाँ पर आराम से आप ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हो, कोई लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेफर साइड के लिए आप ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन पे थोड़ा सा लाइक ऑफ रहता है या फिर थोड़ा सा कम रहता है, तो मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, स्नो वर्ल्ड के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।